आप सभी का, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, 999 रुपए 50 पैसे हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम। ये बड़ी खबर आपके सामने है। देखिये लगातार आम लोगों पर किस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी, एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं, 999 रुपए 50 पैसे हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम। देखिए महंगाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो गए हैं, फिर से बढ़ गए हैं। देखिए आम लोग लगातार ही उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई पर विराम लगेगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ किस तरीके से महंगाई में हो रहा है इजाफा, देखिए बड़ी खबर आपके सामने है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी, और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, उम्मीद ये की जा रही है कि महंगाई पर विराम लगेगा, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए। बिल्कुल, अगर बात करें तो जनता को भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। पेट्रोल डीजल के दाम जहां पर अभी स्थिर बने हुए, लगातार बढ़ोतरी के बाद एक जगह पे दाम रुके हुए हैं, वहीं पे आज एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए। जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनके दाम भी बढ़ाए गए हैं। जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है उनकी अगर बात करें तो कीमत अब 1000 रुपए के तकरीबन हो गई, यानी कि 999 रुपए 50 पैसे कीमत हो गई 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद। तो सीधा सीधा अब 1000 रुपए कह सकते हैं कि डोमेस्टिक गैस की कीमत हो गई है, लेकिन जनता के ऊपर अभी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो दस्तूर जारी है। केंद्र सरकार भी महंगाई को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रही, और तमाम तरह जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपनी ओर से जो राज्य में वैट होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उसको भी कम करती हुई नहीं दिख रही हैं। जी शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ता को लग सकता है महंगाई का बड़ा झटका। ये अहम खबर है, उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। ऊर्जा निगम एक बार फिर से बिजली के रेट बढ़ाने की पैरवी करने जा रहा है। ऊर्जा निगम विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। देश में बिजली संकट और बाजार से सस्ती बिजली उपलब्ध ना होने पर बढ़ सकती है दरें, ऐसी बात निकल करके सामने आ रही है। इस पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं, हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है, ये कहा जा रहा है कि महंगी हो सकती है बिजली, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल दीपा, देखिए इसके पीछे की जो वजह है वो ये है, क्योंकि अभी जो गैस प्लांट है, जो कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, वो पूरी तरीके से बंद है, और ऐसे में जो यूपीसीएल है उसको बाजार से महंगे दामों में बिजली खरीदनी पड़ रही है। यूपीसीएल ये कह रहा है कि 12 रुपए से अधिक प्रति यूनिट बिजली बाजार से मिल रही है, और ऐसे में जो उपभोक्ता है, क्योंकि यहाँ पर 4 रुपए कुछ पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर है उत्तराखंड में, तो इसी को देखते हुए विद्युत नियामक आयोग जो कि इस बात का निर्णय लेता है कि विद्युत की दरें बढ़ाई जाएंगी या जो है वही स्थिर रखी जाएंगी, उसको लेकर अब अभी यूपीसीएल की ओर से विद्युत नियामक आयोग को ये प्रस्ताव भेजने की तैयारियां की जा चुकी है, और ऐसे में विद्युत नियामक आयोग इस संकट को देखते हुए जो उपभोक्ता है उन पर जो ये अतिरिक्त भार है उसको डाल सकता है, यानी कि कुछ इजाफा हो सकता है, क्योंकि यूपीसीएल का कहना है कि जो बाजार से बिजली खरीदी जा रही है उससे जो महंगी बिजली इस वक्त उत्तराखंड को मिल रही है उसमें घाटे में इस बार जो है विद्युत जो ऊर्जा निगम है वो जा रहा है, तो ऐसे में विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि इस पर आखिरी निर्णय विद्युत नियामक आयोग को लेना है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर अगर मोहर लगती है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बिजली का झटका। बिल्कुल रवि, बिल्कुल, वैसे भी महंगी बिजली से लोग वहां पर बेहद परेशान है, और ऐसे में ये खबर और लोगों को परेशान करने वाली है कि बिजली उत्तराखंड में महंगी हो सकती है। रवि आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आती हूँ। और बात कर लेते हैं चंपावत के सियासी रण की, जहाँ उपचुनाव होना है। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, और कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चंपावत सीट से मैदान में उतारा है। निर्मला गहतोड़ी का कहना है कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी और कड़ा मुकाबला देंगी पुष्कर सिंह धामी को। देखिए लगातार लंबा मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी के भीतर, किसके नाम पर मुहर लगानी है, सहमति बनानी है, किसको मैदान में उतारना है, क्योंकि सामने खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतार दिया गया है। चिंता यही है कि हम उपचुनाव में लोगों से कहेंगे जिस तरह से इन्होंने महंगाई दी करी है, बेरोजगारी करी है, और जिस तरह से जुमले ये कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज ही नहीं पिछली बार भी मुख्यमंत्री वही थे और उन्होंने क्या किया ये सबको मालूम है। जो हमारी जो भी योजना है कांग्रेस के टाइम में चली थी वो आज तक बंद है, न उनमें कोई कार्यक्रम हुआ, न उनका कोई शुभारम्भ।
चंपावत सीट पर भाजपा की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। कैलाश गहतोड़ी की सीट खाली करने के बाद चंपावत सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जिनको उपचुनाव लड़ना है, जितना भी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी को मौका दिया गया है, उनको टिकट दिया गया है। मैदान में दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने चंपावत सीट से महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है, इस पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ये चुनाव पहले ही हार चुकी है। इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस ने तो अब चुनाव में समर्पण ही कर दिया है, लेकिन ये भी तय है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले इनके नेता जिस प्रकार से अब इस चुनाव में पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें यह आभास हो गया है कि ये चुनाव निश्चित तौर पर श्री धामी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं और सक्रिय भूमिका रही है उनकी, समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय है और सब मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव को अपने हाथ में लेंगे। और हमने प्रभारियों की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस ने प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। वहीं रुद्रपुर में चंदन राम दास ने दावा किया है कि कांग्रेस चंपावत में ऐसी स्थिति में है जहां उनको प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामे की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो जाएगी। वो किसी को भी प्रत्याशी निकाले, चाहे महिला हो पुरुष हो, कांग्रेस इसमें बिल्कुल नेतृत्व में है। जिनको उम्मीदवार नहीं मिला है तो स्पष्ट स्थिति आप समझ सकते हैं कि माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो उनकी लोकप्रियता है और जो इस समय स्थिति है कि प्रत्येक जनपद का वासी उनको ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के ऐलान के बाद अब आम आदमी पार्टी भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पार्टी उत्तराखंड में अब संगठन को मजबूत करने में लगातार जुट गई है। बड़ी जानकारी इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान करेगी। वहीं उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा आम आदमी पार्टी करेगी, ऐसी जानकारी है। उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने में लगातार जुट गई है आम आदमी पार्टी और उपचुनाव भी होने हैं जिसमें प्रत्याशी का ऐलान भी होगा, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए चंपावत को लेकर भाजपा पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। चंपावत पहुंचे भाजपा के उपचुनाव प्रभारी चंदन राम दास ने कहा है कि सीट से सीएम धामी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। अपना पुणागिरी क्षेत्र और अपना खटीमा टनकपुर चंपावत का चुनाव से संबंधित है। मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि ऐतिहासिक विजय माननीय मुख्यमंत्री जी की चंपावत से होगी, ऐसा संकल्प लेके भी जा रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना अपने सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भी करता हूँ। और चलिए इसी पर और बातचीत कर लेते हैं। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी क्या तैयारी है, कौन किस तरीके से दावेदारी कर रहा है। रवि केंतुरा देहरादून से बने हुए हमारे साथ, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रवि, किस तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए भाजपा की तैयारी पहले से नजर आ रही है, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी ऐसी जानकारी है, और पूरे दमखम के साथ आप भी मैदान में उतरेगी। बिल्कुल दीपा, देखिए आज आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी का इस उपचुनाव के लिए ऐलान करने जा रही है। आज देर शाम तक आम आदमी पार्टी चंपावत में के उपचुनाव में किसे इस बार जो है विश्वास जताएगी, उसको इस बार ये जिम्मेदारी दी जाएगी और आज ये ऐलान हो जाएगा। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनके संगठन में भी बदलाव आज कई होंगे, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली को बनाया गया है, तो उसके बाद संगठन में कई बदलाव भी आज देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही चंपावत उपचुनाव में किस पर इस बार आम आदमी पार्टी उम्मीद जताएगी, उस प्रत्याशी का नाम का ऐलान भी आज कर दिया जाएगा। चंपावत के रण में इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की ओर से हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार निर्मला गहतोड़ी यानी कि एक महिला कैंडिडेट पर विश्वास जताया है। इससे पहले हिमेश खरकवाल यहां पर चुनाव लड़े थे, जो विधानसभा चुनाव हुए और तकरीबन 5,000 वोटों से वो हारे थे। ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये पहले इतिहास भी रहा है
इससे पहले सल्ट उपचुनाव हुआ तो वहां पर मीना गंगोला को जिम्मेदारी दी गई, इससे पहले अंजू लुंठी को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था और अब एक बार फिर से महिला उम्मीदवार निर्मला गैतोड़ी को बनाया गया है। यानी कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस किसी महिला कैंडिडेट को ही आगे करती है। हालांकि इन तीनों अगर उपचुनाव में देखें तो दोनों उपचुनाव में देखें पिछले वाले तो उसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। ऐसे में इस बार निर्मला गैतोड़ी पर विश्वास कांग्रेस ने जताया है, एक महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। हालांकि 5 नामों का पैनल गया था तो कांग्रेस ने भी किसी सोच के साथ इस बार एक महिला कैंडिडेट पर विश्वास जताया है। कांग्रेस खुद को वहां पर इस कैंडिडेट को मजबूत बता रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि कितना जो है ज़बरदस्त ये मुकाबला इस बार होगा। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी का जब ऐलान कर देगी तो ये मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब बहुत कम वक्त है इस उपचुनाव में और ऐसे में पूरी तैयारियां वहां पर हैं, क्योंकि भाजपा पहले ही वहां के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी थी, बहुत पहले से वहां पर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस भी 3 विधायकों को वहां पर जिम्मेदारी दी है, जो विधायक लगातार वहां पर प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच हैं। ऐसे में इस बार इस उपचुनाव में चंपावत की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहां से कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ी है, तो एक गहतोड़ी जो कि सीट छोड़कर पुष्कर सिंह धामी को जिन्होंने सीट दी है, वहीं अब एक दूसरे गहतोड़ी हैं जो निर्मला गहतोड़ी हैं, महिला कैंडिडेट हैं कांग्रेस की, उन पर कितना विश्वास चंपावत की जनता इस बार देखती है, ये देखने वाली बात है। निर्मला गहतोड़ी दिखा पाती है कितना वो कड़ा मुकाबला वहां पर देती है, इस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद ऋतु खंडूरी ने पहली बार हरिद्वार का दौरा किया और हरिद्वार में ऋतु खंडूरी ने साधु संतों से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। ऋतु खंडूरी ने निरंजनी अखाड़े पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से भी भेंट करके उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान से संबंधी कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान ऋतु खंडूरी ने कहा कि साधु संतों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रसन्नता है कि संतों के चरणों में मुझे आज बैठने का मौका मिला, उन सबका आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला, उनकी बात सुनने को मिली, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये राजसत्ता और धर्मसत्ता जब मिलके चलती है तो देश प्रगति करता है, डेवलप्ड होता है। वहीं आज खटीमा में बड़ी संख्या में लोग जल समाधि लेने वाले हैं। मेलाघाट, सिसिया, बंधा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, खिलड़िया गांव के ग्रामीणों ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। 22 पुल खिलड़िया की शारदा नहर में सामूहिक रूप से सांकेतिक जल समाधि की घोषणा की गई है। आपको बता दें, विधानसभा चुनावों में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपने ही गृह क्षेत्र में हार पर सीमांत गाँव के ग्रामीण बेहद दुखी है और अपना दुख व्यक्त करते हुए और सीएम धामी के प्रति अपनी आस्था जताते हुए प्रायश्चित के तौर पर सांकेतिक जल समाधि यहां पर ली जाएगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हार गए हैं, उसके प्रायश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को उनकी जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, धामी जी से हम लोगों की आशा है, उनके प्रति आस्था है, विश्वास है कि वो हमारा काम करेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे, इसके लिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। केदार धाम के कपाट खुलने के बाद अब बद्री धाम के कपाट खुलने की तैयारियां जारी है। 8 मई यानी कि कल बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे और इसके लिए आज योग ध्यान बद्री मंदिर से कुबेर जी रवाना हो जाएंगे। साथ में उद्धव जी की उत्सव डोली भी निकाली जाएगी। आपको बता दें कि कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो गई है। बद्रीधाम में एक दिन में 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब देखिए, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेहद उत्सुक है, इंतजार कर रहे हैं कि बद्री विशाल के कपाट खुले और वो पहुंचे वहां पर दर्शन कर पाए। कल सुबह 6:15 पर दर्शन हो पाएंगे श्रद्धालुओं को, क्योंकि कपाट खुल जाएंगे बद्री विशाल के। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 8 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। कल आपने देखा, सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, उसके बाद केदारधाम के कपाट खुले और अब बारी है बद्री विशाल के कपाट की। कल सुबह कपाट खुलेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, 15,000 श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, यह संख्या तय की गई है।
देखिए वहीं से पहले कल पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना कर सकेंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे, आशीर्वाद ले पाएंगे। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे और ट्वीट भी किया। पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर, इस शुभ अवसर पर उनको यहाँ पर पहुंचने का मौका मिला है, इसलिए वो सौभाग्यशाली है। केदारधाम में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी। विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। अब चारधाम यात्री अगले 6 महीने तक आशीर्वाद ले सकते हैं। कपाट खुलने के मौके पर पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मौजूद रहे। बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित हो चुके हैं। 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, इसलिए तीर्थयात्री उत्साहित हैं। उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार कोरोना के संक्रमण की रफ्तार सीमित है। सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ धाम की हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। माना जाता है कि जो कोई केदारनाथ धाम की यात्रा किए बगैर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता है। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की आराधना कर आशीर्वाद लिया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है और 2 वर्षों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है और पूरे देश के यात्रियों का, हमारे श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि बाबा केदार हम सब पर कृपा करें, हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से जो शुरू हुई है बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के पूरी हो। हर साल मई महीने में बाबा केदार के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं। बाबा अपने भक्तों के लिए शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में दर्शन देते हैं, जबकि 6 महीने तक बाबा केदारनाथ में विराजमान रहते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से विनोद कुमार के साथ रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, वहीं इसी यात्रा में भारी बारिश होने से जगह जगह तालाब बनने से यात्री बेहद परेशान हैं। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से कई जगह जलभराव देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पानी की वजह से तालाब में तब्दील हो गया और सिर्फ ये स्थिति गंगोत्री नेशनल हाईवे की ही नहीं है बल्कि अलग अलग हिस्सों से ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है और यहीं से गुजर रहे हैं चारधाम यात्री जिनको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी व्यवस्थाएं की गई थी पुख्ता, सड़कों को भरा गया था, गड्ढों को भरा गया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कुछ खामियां नजर आ रही हैं। और यमुनोत्री धाम की बात कर लेते हैं। यमुनोत्री में चौथे दिन 6,127 श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंच करके मां यमुना के दर्शन किए, मां का आशीर्वाद लिया और 498 गाड़ियों की सड़क के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में एंट्री हुई है और गंगोत्री धाम में 692 गाड़ियों के जरिए कुल 7,473 श्रद्धालु पहुंच पा रहे हैं। देखिये क्योंकि संख्या तय की गई है, गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु एक दिन के पहुंच सकते हैं और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु एक दिन दर्शन कर सकते हैं। रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की और भगवानपुर में 18 अवैध निर्माण कार्यों की सीलिंग होगी। एचआरडीए संयुक्त सचिव ने अवैध निर्माणों पर अपनाया सख्त रुख। एचआरडीए की टीम जल्द सीलिंग की कार्रवाई करेगी, ऐसी खबर है और बिना परमिशन के, बिना अनुमति के अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा जहां पर भी बिना अनुमति के अवैध निर्माण हुआ होगा।
बड़ी खबर आपके सामने है। रुड़की और भगवानपुर में 18 अवैध निर्माण कार्यों की सीलिंग की जाएगी। एचआरडीए संयुक्त सचिव ने अवैध निर्माणों पर सख्त रवैया सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पिथौरागढ़ में नशे के बढ़ते कारोबार ने युवकों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। अब युवा स्मैक का सेवन करने के साथ मैदानी क्षेत्रों से लाकर बेचने का भी धंधा अपना चुके हैं। पिथौरागढ़ पुलिस ने स्मैक लाते हुए 4 युवाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने यह जानकारी दी कि 4 लड़कों से 17.8 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। ये काफी समय से मैदानी क्षेत्रों में स्मैक लाकर बेचते थे, जो किराए की बाइक यहाँ से ले जाकर स्मैक लाकर पिथौरागढ़ ये बेचा करते थे। इसके द्वारा 4 लड़कों से 17.8 ग्राम की स्मैक बरामद की गई है। ये चारों लड़के काफ़ी समय से मैदानी क्षेत्रों से स्मैक लाकर यहाँ पे पिथौरागढ़ में बेचते थे, जो किराए की बाइक यहाँ से लेकर जाते थे और अर्ली मॉर्निंग पिथौरागढ़ में आते थे और यहाँ पे जो है इनको बेचा करते थे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच चली गोली। बारी का मुख्य आरोपी और कांग्रेस के पूर्व सचिव अविनाश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अविनाश के एक साथी को भी गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों से अब तक 4 लाइसेंस से असल है और 3 कार बरामद कर ली है। दो पक्षों द्वारा फायरिंग हुआ है करके आरोप था, तो उसमें ये पूरा खुलासा हुआ है। टोटल 9 लोगों का हमने अरेस्टिंग कर दिया है। फुटेज के आधार पर जो है 3 वाहन प्रयुक्त हुए दिख रहे थे फुटेज में, वो तीनों वाहन पुलिस के द्वारा बरामद हो चुका है। काले रंग का एक्सयूवी, काले रंग का फॉर्च्यूनर और काले रंग का स्कॉर्पियो, और उसके बाद 4 वेपन्स बरामद हो चुका है। SBBL 1 हो गया, 2 पिस्तल और 1 रिवॉल्वर। ठीक है, घटना की अग्रिम विवेचना और प्रचलित है। इसमें कुल मिला के 4 लोग अभी भी प्रकाश में आए हैं और अभी भी वांछित है, उनकी पकड़ दकड़ और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की में पुलिस के लिए चुनौती बनी बंद मकानों की सुरक्षा। शहर से लेकर देहात तक हो रही चोरी की तमाम वारदातें बड़ी खबर। बंद मकानों को चोर गिरोह अपना निशाना लगातार बना रहे हैं। पुलिस ने अपील की है कि इंटरनेट पर जानकारी शेयर ना करें। अब पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है, इंटरनेट पर जानकारी शेयर ना करें। ये बड़ी खबर आपके सामने है। बंद मकानों को चोर गिरोह लगातार निशाना बना रहे हैं। पुलिस के लिए बंद मकानों की सुरक्षा इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। रुड़की में शहर से लेकर के देहात तक लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, वारदातों में इजाफा हो रहा है और बंद मकानों को जो चोर गिरोह एक्टिव है अलग अलग हिस्सों में वो निशाना बना रहे हैं।